काला साया, काला साया। मैंने कहा था मीतू पे काला साया है। बस बंद करो अपनी ये बकवास। मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। ये देखो, देखो। अक्षत प्लीज। कहां थी तुम धरा? कहां थी तुम? कल रात डिड यू गो टू चेक ऑन हर? गई थी तुम उसके पास? हाँ, आई पुट हर टू बेड। शायद तुम टाइम पर घर पर आते तो अपनी बेटी के साथ दो पल बिता लेते। What? Are you blaming this on me now? मैं लेट हो गया। I was tired, ऊपर से तुम्हारे ताने। मुझे पता होता कि अपनी बेटी को फिर से नहीं देख पाऊंगा तो जाता ही नहीं। मालती माँ, मालती माँ। मीतू ठीक तो है ना? What is wrong with you, धरा? What is wrong with you? Are you still believing in this nonsense? नौकरानी को ना तुमने सर पे चढ़ा के रखा है। अक्षत मालती माँ इस फैमिली, उन्होंने मुझे पाला है और हमारी बेटी को भी। अगर तुम्हें नहीं बिलीव करना है तो मत करो। मालती माँ हमारी हेल्प कर रही थी। Something was wrong with me too. तभी तो ये सब जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत का नाटक। धरा, तुम्हें समझ में आ रहा है? हमारी बेटी मर चुकी है। She's dead. मर चुकी है वो। सर, आग रात में लगी जब सब लोग सो रहे थे। जब आग बुझी तब तक मीतू की बॉडी पार्टली जल चुकी थी एंड शी वाज डेड। मीतू, मीतू। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा है और आग लगने का कारण भी ट्रेस कर रहा है। मैं महसूस कर रही थी, महसूस कर रही थी कि मीतू पर काला साया है। जब तक वो इस घर पे रहती, इस घर में सुख शांति कभी नहीं आती। चुप, बिल्कुल चुप। कहीं तुम ही ने तो हमारी बेटी को? नहीं, कल रात तुम थे ना वहां। वो दरवाजा कैसे बंद हो गया? और ये ना, ये कैसे अचानक जैम हो गया? जवाब है? और लास्ट वीक जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, वो कुछ तो है, कोई तो साया है, था मीतू के ऊपर। अरे धरा, कोई साया नहीं था, कोई भूत प्रेत नहीं है। ये मालती ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है बेकार की बातें कर करके। मालती has been with me all this time, अक्षर। उन्होंने ही मुझे बताया कि हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा क्या बोलो? धारा ने जो बेटा खोया ना डिलीवरी में, मीतू का जुड़वा भाई, उसकी मौत का कारण भी मीतू ही है। तुम शहरी लोग ये बातें नहीं मानते, लेकिन यही सच है। हाँ साहब, हम भी देखे थे। मीतू बेबी ना बिल्कुल बदल सी गई थी। मीतू बेबी, ये क्या हुआ? हाँ, मैंने भी मीतू के बॉडी पर निशान देखे थे। What is wrong with you? तुम इस चोर की बात मान रही हो? तुम्हें याद है मीतू ने हमें बताया था कि इसने चोरी की थी? क्या पता वापस चोरी करने गई हो और आग लगा दी हो? नहीं साहब, हम चोरी किए थे लेकिन मीतू बेबी को कुछ नहीं किए हैं। सर, टॉपसी रिपोर्ट आ गई। लाल
लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, यानी कि पहले ही मर चुकी थी। बॉडी पे कई सारे चोट के निशान मिले जो पुराने। समर, इनके घर में कुछ दिन पहले भी आग लगी थी ना, शॉर्ट सर्किट की वजह से। यस सर, इलेक्ट्रिक कंपनी की रिपोर्ट है और कुछ फोटोज भी। रेड वायर को न्यूट्रल वायर से टच किया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट हो ना हो, ये काम भी हमारे कातिल का ही है। पहली बार तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार हो गया। मैं तो कहता हूं हमारी बेटी को इस डायन ने मारा है। कल रात कहां थी तू? अपने कमरे में ही थे। हाँ, एक बार पानी लेने उठी थी, लेकिन उस समय जो हुआ। इसीलिए ना हम रात को कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ना लाल सूट पहनते हैं। ये ग्रीन है, कब कलर की समझ आएगी? सबसे सवाल कर रहे हो, तुम कहाँ थे अक्षत? गेस्ट रूम में था। अब ये मत पूछना कि वहां क्यों गया था, तू मैंने कमरे से बाहर निकाला था। बिकॉज मैं थक चुकी थी। ऑल यू केयर अबाउट इज सेक्स एंड हैविंग अ सन। आई डोंट वांट अनदर चाइल्ड। लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए था ना, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। तो बेटी मिल गई, लेकिन मेरा क्या? मैं माँ हूँ अक्षत, दोनों को 9 महीने मैंने अपने पेट में पाला, तुमने नहीं। You have no right to blame me. सर, फायर रिपोर्ट भी आ गई। पहले आग पर्दे में लगी और उसके बाद चारों तरफ कमरे में फैली। सोर्स ऑफ फायर कैंडल। कैंडल्स तो मैंने लगाए थे मीतू के रूम में। प्यूरिफिकेशन के लिए। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस जरा? नहीं अक्षत, मैंने पर्दों के अपोजिट साइड में रखे थे, मैंने खुद वहां रखे थे। कौन सा, वो ब्लू वाला कैंडल? अरे रेड वाला। कलर ब्लाइंड कहीं की? अगर कैंडल्स डेस्क पे ऑपोजिट साइड पे रखे थे तो पर्दे भी क्या उड़ के लगे? काला साया। अरे तू चुप रह, बकवास करती रहती है। कैंडल अपने आप चल के तो वहां आ नहीं सकते। कोई है इन तीनों में से जिसने ये कत्ल किया और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए वहां आग लगा दी? सती? समर, वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की फोटो दिखाओ। 3 कलर की वायर्स हैं, रेड और ब्लू को जोड़ के शॉर्ट सर्किट किया गया है। सुनीता कलर ब्लाइंड है, वो ये नहीं देख सकती थी कि वायर का कलर कौन सा है। उसने कत्ल नहीं किया। पॉइंट्स थरा, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई फैमिली, इस सब से दूर, इस डायन से दूर। आई
was scared. मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती थी अक्षत. सब कुछ बदल रहा था. वो सब कुछ इसलिए क्योंकि तुम इस डायन की बातों में आ गई थी. इसकी भूत प्रेत की बातें तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुस गई थी कि तुम घर पे कम रहते हो but I could see it. I was so scared for me too. And now we have lost her forever. मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी बच्ची के ऊपर क्या बीत रही है. I'm not fit to be a mother. ऐसे मत बोलो थारा. You are and you will always be a good mother. No. नीतू कुछ तो छुपा रही थी अक्षत. अगर मैं पहले पता कर पाती तो शायद नीतू आज जिंदा होती. नीतू की मौत आग में जलने से नहीं हुई. वो आग लगने से पहले मर चुकी थी. मालती जी, ये मर्डर एक इंसान ने किया है और उसका सबूत है मेरे पास. धारा जी, वो कैंडल कमरे में आप लाई थी, कबूल करती हैं? हाँ? हाँ या ना? हाँ. जिन चोटों का आपने जिक्र किया ऐसी कई चोटें नीतू की बॉडी पे हमें मिली हैं. मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट कंफर्म करती है. बच्चों का जहन, उनका दिलो दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है. ऐसी घटनाएं, ऐसा बुरा बर्ताव उन पर बहुत गहरा असर छोड़ता है. वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किससे कैसे अपनी बात कहें. नीतू का अजीब बिहेवियर किसी भूत पिशाच किसी प्रेत का नतीजा नहीं था बल्कि ट्रॉमा की वजह से, आप लोगों के निग्लेक्ट की वजह से था. कोई था जो उसे अपने घर में मार रहा था. नीतू की मौत आग में जलने से नहीं हुई, से गला दबाकर मारा गया था. और उस इंसान के हैंडप्रिंट्स जो हैं वो अक्षत से मैच खाए. ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? बहुत देर से आप अंधविश्वास के खिलाफ जोरदार लेक्चर दे रहे थे और अब जैसा रैशनल और साइंटिफिक इंसान ऐसी अंगूठी. इंडेक्स फिंगर पर ओपल फॉर फर्टिलिटी. आपको कैसे पता था कि कमरे में जो कैंडल था वो लाल रंग का था जबकि आप कमरे में गए? वो मैं क्यों अक्षत, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मुझे बैठना चाहिए था. और तुम मीतू से खुश थी लेकिन मैं नहीं. मुझे मालती की बातें सच लगने लगी. मुझे लगा कि जब तक मीतू हमारी जिंदगी में है तब तक हमारी लाइफ में दूसरी संतान आ ही नहीं सकती. और इसी वजह से तुम आज तक मां नहीं बन पाई दोबारा. मुझे बेटा चाहिए था, इसलिए मीतू को रास्ते से हटाना जरूरी था. धारा जी, कर्मा भी बहुत अजीब चीज है. आपकी मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म करती है कि आप प्रेग्नेंट हैं. भूत प्रेत पिशाच ये सब एक बीमार सोच से पनपते हैं. इन्हें देखने के लिए किसी तंत्र विद्या की जरूरत नहीं है, बस आईने में देखने की जरूरत है. हेलो, फ्लिप
स्टार्ट वीडियो पे आओ, वॉच प्ले विन नाउ।